नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। अगली बार जब आप प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट डालने जाएंगे तब आपको ये भी फैसला करना होगा कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, और ऐसा करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की पिच तैयार होनी शुरू हो गई। लेकिन जो फैसला भारत की तस्वीर बदल सकता है उस पर विपक्षी पार्टियां क्यों कंफ्यूज, बताएंगे आपको मूड मीटर की पहली स्टोरी। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में बताएंगे आपको उस खौफनाक हथियार के बारे में जो इस वक्त आपके अगल बगल हो सकता है या हो सकता है कि आपकी जेब में ही मौजूद। लेकिन शुरुआत देश बदलने वाले मोदी के ऐतिहासिक फैसले के साथ। तो मोदी सरकार के थर्ड टर्म के 100 दिन पूरे होते होते देश के सामने सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। मोदी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि तीसरी बार जीतकर वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे। आज उस वादे को पूरा करने की दिशा में मोदी ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई। शीतकालीन सत्र में बिल को पेश किया जाएगा और वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए जो 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और आज उसके आधार पर कैबिनेट में फैसला हो गया कि वन नेशन वन इलेक्शन का कानून लाया जाए। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है और वन ओ एन ओ ई यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे काम करेगा इसे लेकर कैबिनेट की ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी और बताया कि ये फॉर्मूला क्या होगा। जरा एक बार पहले उनको सुना जाए फिर आगे की कहानी बताएंगे। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। अब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन दो फेजेस में होगा जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत जिला पंचायत। तो 18-19 हजार पन्नों की रिपोर्ट है और इसमें क्या कुछ खास है और इससे कैसे भारतीय राजनीति की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आज मोदी ने विपक्ष का एक और भ्रम तोड़ दिया। ये सारा इंडी गठबंधन जो मानकर बैठा था कि मोदी नीतीश नायडू की बैसाखी पर टिके हुए हैं और जैसे पिछले 10 साल में ताबड़तोड़ अपने एजेंडे के हिसाब से फैसले लेकर देश को चला रहे थे आगे बढ़ा रहे थे वो अब वो वैसा नहीं कर पाए। उस तिलिस्म को मोदी ने आज फिर तोड़ दिया, बल्कि ये कहें कि चकनाचूर कर दिया। मोदी ने गुजरात में कहा था अभी हाल ही में कि वो किसी दबाव में काम नहीं करते और 48 घंटे के भीतर वन नेशन वन इलेक्शन का ऐतिहासिक फैसला लेकर साबित भी कर दिया कि वाकई में मोदी का पर गठबंधन सरकार का कोई लोड नहीं। एक बार मोदी क्या कह रहे थे सुनिए जरा। ये मोदी है, यहां किसी का दबाव वबाव नहीं चलता है। फिर मैंने कहा था, कहा मुझ पर दबाव है और वो दबाव है हमारी भावी पीढ़ी के संतानों का, उनके सब जो जन्मे भी नहीं है लेकिन उनके उज्जवल भविष्य की चिंता मुझे सताती रही है। तो मोदी को सहयोगियों की टेंशन नहीं है ये जानकर विपक्ष की टेंशन जरूर दोगुनी हो गई होगी और इस टेंशन में विपक्षी जैसे अपना होश खो चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करने पहुंचे और पत्रकारों ने यहीं पर वन नेशन वन इलेक्शन वाला प्रस्ताव जो आया है उसको कैबिनेट में मंजूरी मिल गई और उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया। आप खड़गे का रिएक्शन देखकर माथा पकड़ लेंगे। पहले एक बार देखिए कि हुआ क्या वहां, फिर बताएंगे पूरा पूरी कहानी। बस हो गया, थैंक यू। व्हाट इज आवर रिस्पांस? अरे क्यों आप बोल रहे हैं, मेरी आवाज अच्छी है आपसे भी जोर है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उन पर जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी की लाइन लेंथ, उसका स्टैंड तय करें। उन्हें रास्ता दिखाना है जिस पर बाकी कांग्रेसी पीछे पीछे चलें। लेकिन यहां वो खुद ही वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े मुद्दे पर अपनी पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल से पूछ रहे हैं कि बताओ भाई, वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस का रुख क्या है, हमारा स्टैंड क्या है। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज आवर स्टैंड। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे और संजय निरुपम ने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और 5वां पावर सेंटर उन्होंने पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल को बताया था और आज उसकी वानगी भी दिख गई। खड़गे के इस रिएक्शन ने साबित कर दिया कि कमांड सेंटर परिवार और परिवार के विश्वास पात्रों के पास ही है। खैर, जब केसी वेणुगोपाल ने खड़गे को बता दिया, समझा दिया कि क्या बोलना है, तो खड़गे ने मीडिया को क्या इस सवाल का जवाब दिया, एक बार वो भी सुनिए जरा। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। तो कांग्रेस अध्यक्ष का रटा रटाया जवाब आपने सुन लिया। भाई अभी कौन से इलेक्शन चल रहे हैं? क्या हरियाणा चुनाव के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है? वरना जम्मू कश्मीर में तो चुनाव शुरू भी हो गए, आपको पता ही होगा। तो किस इलेक्शन के लिए ये मुद्दा लाया गया है, हमारी समझ में तो नहीं आ रहा, आप बेहतर समझ सकते हैं। चलिए, तो बाकी के जो कांग्रेसी हैं, जब कांग्रेस अध्यक्ष इस तरह की बात करेंगे तो बाकी के कांग्रेसी तो गोलमोल घुमाएंगे ही। इसीलिए ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर भी सस्ती सियासत शुरू हो गई और बगैर रिपोर्ट पढ़े, बगैर उसकी डिटेल जाने, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के आरोप हैं कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए ला रही है। यह दावा भी किया जा रहा है कि मोदी सरकार के पास इसे पास कराने के लिए संख्या बल ही नहीं है, और यह भी कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन व्यवहारिक ही नहीं है, जैसा कि अभी खड़गे कह रहे थे कि प्रैक्टिकल नहीं है। साफ है कि जैसे चुनाव से पहले संविधान बदलने वाला प्रोपेगेंडा मोदी के खिलाफ चलाया गया और उसी को फिर से तीर बनाकर वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर निकाला जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के इन आरोपों में दम है या फिर वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए मोदी हिंदुस्तान की तरक्की का एक नया चैप्टर लिखने वाले हैं, यह आपको समझना है। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967, यानी कि 4 इलेक्शन, 4 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। इन चारों सालों में लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव साथ साथ हुए। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए, जिसकी वजह से अलग अलग समय पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने लगे। तो पहली बात तो यह कि यह कोई पहला मौका नहीं है, और जो मोदी कह रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है कि हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रही है। इसलिए ये कहना कि ये संविधान बदल देंगे और चुनी हुई सरकारों को हटाने का एक तरीका है, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उनको ये जानना चाहिए कि 4 बार पहले भी हो चुका है। और एक देश एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चुनाव का खर्च इससे घट जाता है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर भी बोझ पड़ता है, और सबसे बड़ी बात ये कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो हर बार जब चुनाव संहिता लगती है तो आप नई घोषणाएं नहीं कर सकते, नई योजनाएं नहीं शुरू कर सकते। तो एक तरीके से जो डेवलपमेंट का पूरा काम चल रहा होता है उस पर एक ब्रेकर की तरह काम करता है। तो एक बार में अगर चुनाव निबट जाए
सारे केंद्र और राज्य के, तो जाहिर सी बात है सारी सरकारें मिलकर अगले 5 साल तक सिर्फ विकास पर फोकस करेगी, काम पर फोकस करेगी, बार बार वो इलेक्शन मोड में नहीं जाएगी और विकास के कामों पर ध्यान दे सकेगी। एक ही दिन में चुनाव होने से वोटर की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको ये नहीं लगेगा कि चुनाव का क्या है, तो होते ही रहता है, वे घरों से निकलकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में रुचि दिखाएंगे। इसलिए दुनिया के कई बड़े देशों में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था है। अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा जैसे जो विकसित देश हैं, वहां वन नेशन वन इलेक्शन का ही प्रावधान है। अमेरिका में हर 4 साल में एक निश्चित तारीख को ही राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट तीनों के चुनाव कराए जाते हैं। राष्ट्रपति के साथ साथ दोनों सदनों के चुनाव भी एक निश्चित तारीख को कराए जाते हैं। लेकिन हमारे यहां बड़ा सवाल यह है कि इसे लागू कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तो आप देखते हैं कि हर साल कमोबेश एक या दो चुनाव होते ही हैं, बड़े चुनाव होते हैं। यूपी जैसे राज्य में क्या होगा, सवाल यह भी है, जहां 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगर 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने पर यूपी में जो 2027 के बाद जो सरकार बनेगी वो 2 साल के भीतर ही 2029 में फिर से चुनाव के लिए उसको तैयार होना होगा। और सवाल यह भी है कि कैबिनेट से पास होने के बाद और इसके लागू होने तक क्या क्या रोडमैप होगा, कैसे कैसे ये संभव बना, कैसे मुमकिन किया जा सकेगा। एक देश एक चुनाव लागू कराने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना पड़ेगा और कई विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना भी पड़ सकता है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और कोविंद कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि सभी दल अगर सहमत हुए तो वन नेशन वन इलेक्शन 2029 से लागू हो जाएगा, जिसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने पड़ेंगे, यानी कि अगले 2 साल में करीब करीब सारे राज्यों के चुनाव कराने पड़ेंगे। आप अगर इसको ऐसे समझिए कि अगर 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने जा रहा है तो देश के 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव नवंबर 2025 में कराने होंगे। इस हिसाब से अगर देखिए तो बिहार, जहां अगले साल आखिर में चुनाव होने हैं, तो जो सरकार चुनकर आएगी उसका 2029 से पहले सिर्फ 3.5 साल का ही कार्यकाल होगा, यानी कि जो चुनाव होगा उसके बाद उसको 2029 तक का ही समय मिलेगा। 3.5 साल में वो विधानसभा भंग हो जाएगी और उसके बाद फ्रेश इलेक्शन होगा। इसी हिसाब से 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू कराने के लिए 11 राज्यों में दिसंबर 2026 तक वोटिंग करवानी होगी, और उस हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो मौजूदा कार्यकाल है वो 3 से 5 महीने कम हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि जो अगला चुनाव होना है उत्तर प्रदेश विधानसभा का उसको हो सकता है 3 से 6 महीने पहले ही करा लिया जाए, क्योंकि यूपी में पिछला चुनाव 2022 में हुआ था और उस हिसाब से 2027 में अगला चुनाव होना है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करवाने के लिए यूपी में 2026 दिसंबर में चुनाव कराने होंगे और जो चुनकर आने वाली सरकार होगी उसका कार्यकाल सिर्फ 2.25 साल का रहेगा। इन 2 चरणों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त हो जाएगा। देश की लोकसभा के साथ जो मौजूदा लोकसभा है उस लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही जितनी भी विधानसभाएं हैं उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उसके बाद 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब लागू हो जाएगा और सब मिलकर और सारे राज्यों और केंद्र सबके चुनाव एक साथ करा लिए जाएंगे। ये कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह का प्रावधान किया जाएगा। अब जब सारी पार्टियों के साथ मिल बैठेंगे तो मुमकिन है कि इसमें कुछ फेरबदल हो, लेकिन ये जो प्रावधान है ये इस देश की राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि जो देश हर साल कमोबेश हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहता है, सारी सरकारें खास करके केंद्र की सरकार इलेक्शन मोड में रहती है, उससे निकलकर वो ज्यादा बेहतर तरीके से विकास के काम पर फोकस कर पाएगी, जो कि इस देश के लिए बहुत जरूरी है।